अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनार्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे सांदन। ये मेरे पास हाफ के जी राइस है, मैंने इसको 3 घंटे के लिए भिगा के रखी थी अच्छी तरह से, इसको वॉश करके और फिर इसका पानी छान के मैंने इसको एक कपड़े के ऊपर फैला के रखी और फैन के नीचे। आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं और फिर इसको बना सकते हैं। और ये 3-4 घंटे में इस तरह से ड्राई हो गए। अब इसका हम रवा निकालेंगे, इसको हम पीसेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे और उसको फिर छान के हम जाड़ा वाला जो मोटा रहेगा उसको हम अलग करेंगे और उसको छन्नी से छान कर जो बारीक वाला निकलेगा उसको हम अलग रखेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमने उसको पीस के लिए। अब इसको हम छानेंगे। इसको छानने के बाद में अब ये मोटा है जो दरदरा है इसको हम इसमें निकालेंगे, इसको जाड़ा रवा बोलते हैं। और ये है बारीक वाला, ये बारीक वाला है, ये मोटा वाला है। ये मेरे पास 2 नारियल है कुरचे हुए, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से। अब इसका हम मिल्क निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीसेंगे और इसमें हम जो गाढ़ा वाला निकलेगा उसको अलग करेंगे, फिर बाद में हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करके पतला वाला निकालेंगे। ये हमने थिक वाला मिल्क निकाले हैं इस तरह इससे छानकर, और अभी इसको छानने के बाद में ये इसमें है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे 1 कप और इसको हम जो पीसेंगे वो इसमें हम निकालेंगे जो पतला वाला मिल्क रहेगा। इसको हम छान के लेंगे ये पतला वाला मिल्क, ये हमें निकाले पतला वाला मिल्क। अब हम सबसे पहले इसकी खोई रेडी करेंगे। हमने एक बर्तन रखे हैं गैस पर और उसमें हम ये जो पतला मिल्क है इसको ऐड करेंगे। जब ये हल्का गर्म होने आ जाएगा तब इसमें हम पिसा हुआ जो मोटा छान के निकाला हुआ रवा है उसको ऐड करेंगे। अब इसमें ये रवा ऐड करेंगे और इसको हम पका के लेंगे। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, एकदम नरम चावल की जैसा इसको पका के लेना है। एकदम नरम पकाना है इसको। अब हम चेक करेंगे ये इस तरह से। अभी हम गैस ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो हमें लगेंगे 250 ग्राम शुगर, तो हम 1 कप शुगर लेंगे और हमें इलायची का पाउडर लगेगा। ये हल्का हल्का ठंडा हुआ है, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है। अब इसमें हम मिल्क को ऐड करेंगे जो हमने थिक निकाल के रखा हुआ है, ये इस तरह का थिक है। इसमें हमने जरा सा ही खाली पानी ऐड किए थे और ये अच्छी तरह से 2 नारियल का दूध है ये, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किए। अब इसमें हम ये शुगर को ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून ली हूँ इलायची का पाउडर, हाथों से इस तरह करेंगे। जो मैंने शक्कर डाली हूँ, मेरे पास ये बारीक वाली शक्कर थी इसके लिए मैंने उसको ऐड की हूँ। अगर आपके पास मोटी है तो आप उसको अच्छी तरह से मिक्स होने तक इसको ये करें। अब इसमें हम ये बारीक वाला रवा ऐड करते जाएंगे और इसको इस तरह से कलाते जाएंगे। मैं इसको बिना ईस्ट के ये करूंगी, ना इसमें बेकिंग सोडा ऐड करने वाली हूँ और ना ही मैं इसमें ईस्ट राइस, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी गर्मी शुरू हुई है और ये इसको मैं 8 घंटे के लिए रखने वाली हूँ तो ये ऑलरेडी गर्म में अपने आप से ये डबल हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसमें कोई चीज ऐड नहीं करने वाली हूँ। अगर आप जहाँ रहते हैं वहां पर अगर मौसम ठंडा है तो आपको उसमें ड्राई ईस्ट या तो फिर बेकिंग सोडा ऐड करने की जरूरत है।
ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिए। अब इसको कवर लगा के हम गर्म जगह पे ही रखेंगे और इसको मैं 7 से 8 घंटे के बाद में इसको मैं चेक करूंगी। अभी यहाँ पर 10:30 हो रहे हैं और ये मैं अभी बनाई हूँ। मैं इसको रात में फिर आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब हम चेक करेंगे, 7 से 8 घंटे हो गए। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये इतना ऊपर तक आया है और ये अच्छी तरह से देख सकते हैं ये। इसमें हमने ईस्ट या बेकिंग सोडा कुछ नहीं डाले क्योंकि गर्मी है, इस वजह से इसमें एकदम ये डबल हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम फेड़ेंगे और इसके सांदन हम रेडी करेंगे। हम सांदन बनाएंगे तो हम बिना सांचे के बनाएंगे क्योंकि मेरे पास सांदन का सांचा नहीं है और ना ही इडली का, तो मैं इसको छन्नी में बनाने वाली हूँ। मेरे पास ये इस तरह की छन्नी है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास छोटी है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। इस तरह की ऐसी प्लेटें हैं, ऐसी अलग अलग टाइप की है, मैं इसमें बनाने वाली हूँ इस तरह से रखकर। और ये बहुत ही ईजी बन जाता है और एक साथ में आप जितने चाहिए आप उतने बना सकते हैं इस तरह से रखकर। आप बिना सांचे के एकदम इजीली बना सकते हैं। और ये एक बर्तन है, इसमें मैंने पानी रखी हूँ गर्म करने के लिए और ये छन्नी हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह कवर करेंगे प्लेट से। अब सबसे पहले हम ये सारी प्लेटों को ग्रीस करेंगे ऑयल से इस तरह से, ये इजीली ये निकल आए। इस तरह से हम इसमें ये सारी प्लेटों को हमने इस तरह से भर दिए। अब इसको हम स्टीम करने रखेंगे। मेरे पास ये 6 प्लेटें हैं, मैंने ये 6 रखी हूँ। आपके पास इससे ज्यादा है तो आप इस पे इसकी लेयर और लगा सकते हैं, आप इस पे और भी 4 बिठा सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से कवर ला के रखेंगे 12 से 15 मिनट के लिए। अब हम चेक करेंगे, 15 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से। अब इसको हम निकालेंगे। हमने इसको प्लेट में रखे, पानी है इसमें, ताकि ये इजीली निकल आएगा ठंडा होकर। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से और एकदम सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से निकल आता है। और ये मेरे पास प्लेटें थोड़ी बड़ी हैं इसलिए ये बड़ी साइज के हैं। अगर आपके पास छोटे साइज के हैं तो छोटे बना सकते हैं। और ये एकदम इजीली बन जाता है और बहुत ही एकदम क्विक रेसिपी है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम सॉफ्ट है। ये मैंने इतने बनाई हूँ और भी बनेंगे, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। मैं इसके साथ में गोश्त का सालन बनाने वाली हूँ। ये हो गया रेडी, हमने सालन बनाए। आप देख सकते हैं ये कितने आधा किलो में इतने सारे बने हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको सालन के साथ खा सकते हैं या आप इसको ग्रीन सालन के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको सुबह नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मैंने आपको बिना सांचे के बनाकर दिखाई हूँ। आप भी इसी तरह बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये एक कोकनी रेसिपी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जी मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ किस तरह से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, फ्लफी है।